आपको यकीन है कि जिनका डांस अभी अभी आपने देखा उनका एक पैर तो है ही नहीं, एक पैर जिस तरीके से आपने इनको डांस करते हुए देखा वो उनका नेचुरल पैर नहीं था, वो प्लास्टिक पैर के दम पे आपको डांस करती हुई नज़र आ रही हैं। ये एक ऐसी इंस्पिरेशनल लेडी हैं जो पूरे हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। माय डियर फ्रेंड, हम में से मैक्सिमम लोग जो बहाने करते हैं कि बचपन में एक हादसा हो गया या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मेरे जीवन के अंदर की मेरी हिम्मत चली गई, मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया और मैं उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, उन सब लोगों के लिए मिसाल है मिसेज सुधा चंद्रन। महज 17 साल की उम्र के अंदर वो अपने शहर में निकल रही थी कि अचानक से बस की चपेट में आने से उनका दर्दनाक तरीके से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक पैर को खो देती हैं। सुधा चंद्रन बचपन में एक बहुत बेहतरीन डांसर हुआ करती थी और उनका डांसर बनने का एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था। और जब सुधा चंद्रन को ये पता चला कि उनका पैर कट चुका है और जब उनके बॉयफ्रेंड उनके पास आए जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो उनके बॉयफ्रेंड ने उनको अपनाने से मना कर दिया, इस वजह से वो बहुत टूट गई। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा और अपने पैर को कृत्रिम पैर लगवाने के लिए ये जयपुर आई। जब डॉक्टर के पास ये आती हैं तो डॉक्टर पैर तो लगा देते हैं लेकिन साथ ही साथ वार्निंग देते हैं कि आप लाइफ में दोबारा कभी डांस यदि करेंगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। सुधा चंद्रन ने जवाब दिया कि जब डांस ही नहीं कर पाऊंगी तो ये पैर ही किस काम के। सुधा चंद्रन घर आ जाती हैं लेकिन उनका हौसला उनकी हिम्मत अभी भी जवाब नहीं दे रही होती हैं, अभी भी उनके अंदर से एक आवाज़ निकल रही होती है। उन्होंने घर आके प्रैक्टिस स्टार्ट करी और जैसे ही प्रैक्टिस स्टार्ट करी उस कृत्रिम पैर की वजह से उनके पैरों में कट लग जाता है जिससे असहाय दर्द तो होता है साथ ही साथ खून इतना ज़्यादा निकलने लगता है कि उसे रुकने में भी वो सफल नहीं हो पाती। खुद से ही मलहम पट्टी करती हैं, खुद से ही उस खून को रोकने का काम करती हैं, फिर से प्रैक्टिस में जुट जाती हैं। वो एक भरतनाट्यम में क्लासिकल डांसर हैं और जब उन्होंने भरतनाट्यम के लिए आवेदन ऑलरेडी देकर रखा हुआ था, अभी तक उन्होंने अपने आवेदन में ये एप्लीकेशन में ये नहीं बताया था कि उनका एक पैर वो गंवा चुकी हैं। अचानक से उनके जब पिताजी को ये पता चला कि सुधा चंद्रन ने अपना नाम उस भरतनाट्यम की प्रतियोगिता के लिए दिया है, बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके बॉयफ्रेंड को भी बहुत आश्चर्य हुआ। सुधा चंद्रन जैसे ही वहाँ पे डांस करने गई स्टेज में, वो डांस कर रही थी कुछ इस तरीके से, डांस करने से पहले वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, उनको लग रहा था कि उनसे शायद ये नहीं हो पाएगा, उनको बहुत ज़्यादा अंदर से डर लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब अपने मन में कुछ करने का हुनर हो तो इंसान वो कामयाबी भी पा लेता है जो कभी वो सपनों में भी नहीं सोचता है। और सुधा चंद्रन ने कुछ ऐसा डांस किया कि पूरी ऑडियंस अवाक रह गई। जब ऑडियंस को पता चला तो सब के सर झुक गए उनकी इबादत में। और आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके पिता जैसे ही सुधा चंद्रन के सामने थे उनके पैर छू लिए और लोगों से कहा कि आज उन्होंने साक्षात सरस्वती माँ के पैर छुए हैं। और इस बात ने सुधा चंद्रन का हौसला बढ़ा दिया और आप अंदाज़ा लगाइए उसके बाद जैसे ही ये इस परफॉर्मेंस के बाद उनका जो बॉयफ्रेंड था उनके पास उनको वापस से अपनाने के लिए आता है लेकिन सुधा चंद्रन मना कर देती हैं, कहती हैं क्या मेरी शादी हो चुकी है। वो बॉयफ्रेंड सोचता है शादी हो चुकी है, वो जानने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने बोला कि नहीं अब मेरी नृत्य से शादी हो चुकी है और उसके बाद से कभी भी
सुधा चंद्रन ने पीछे पलट कर नहीं देखा। बहुत सी सीरियल्स में उन्होंने काम किया है, नागिन, बहुरानिया, हमारी बहु तुलसी, चंद्रकांता, जाने भी दो पारो, कभी इधर कभी उधर, चश्मे बद्दूर, अंतराल, कैसे बहु, कहीं किसी रोज, क्योंकि सास भी कभी बहु थी, कस्तूरी, अदालत और शास्त्री सिस्टर जैसे सीरियल्स में अपनी अदायगी से दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में भी इन्होंने कर चुकी हैं जिनके जीवन पे एक फिल्म बनी है नाचे मयूरी नाम से, जो कि 1986 के अंदर आई थी, जो इनके जीवन पर आधारित थी। उसके अलावा शोला और शबनम, अंजाम, हम आपके दिल में रहते हैं, शादी करके फंस गए यार, मालावाल वीकली के साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, भोजपुरी, गुजराती और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में इन्होंने काम किया है। और बहुत जल्दी सुधा की जल्द ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड फिल्म क्रीना में नज़र आने वाली हैं। इस फिल्म का डायरेक्ट श्यामल के मिश्रा कर रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, आज उनके जीवन से आप सीख सकते हैं कि एक ऐसी महिला जिसने 17 साल में पांव खो दिया और तब भी उसने हिम्मत ना हारी और लोगों के लिए मिसाल बनी, हम में से सबको इस स्टोरी से सीख लेना चाहिए और ज़रूर अपने जीवन के अंदर कभी भी ना कामयाबी के लिए बहाने नहीं देना चाहिए, बल्कि कामयाबी के लिए अपने हौसले बुलंद करने चाहिए और रास्तों को ढूंढना चाहिए। इस बेहतरीन मैसेज के साथ सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।